फिकरत साहब खाना खाने नहीं आ रहे, उन्होंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मैं देख कर आती हूँ। आपको कुछ और चाहिए? नहीं सैलान, बहुत शुक्रिया। आ जाओ जोरा। सुबह से आप नीचे नहीं आए, हम परेशान हो गए थे। हाँ बस तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, बीपी लो लग रहा है थोड़ा। तो क्या डॉक्टर को कॉल करूँ मैं? नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं बस आराम करूँगा। आपने कुछ खाया भी नहीं, सैलान से कहूँ आपके लिए कुछ ला दे? कुछ नहीं चाहिए। फोन बज रहा है, सईद की कॉल है। सुन रहा हूँ। हेलो, सईद हूँ मैं। हाँ तुम्हारा नंबर सेफ है मेरे पास। मैं उर्गुप में हूँ फिकर साहब। उर्गुप में? लेकिन क्यों? हम आपसे असल में इस साल अंगूर खरीदना चाहते हैं, उसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ मैं। बहुत हैरत है। वैसे ये बात इस्तांबुल में भी हो सकती थी और फोन पर भी हो सकती थी, इतनी दूर आने की जहमत क्यों की? सिर्फ इसलिए मैं उर्गुप नहीं आया, दादा से किया हुआ वादा भी निभाना था मुझे। गुनेश भी मेरे साथ है और वो भी देखेगी सारे आपके वाइनयार्ड्स और इन्वेस्टमेंट भी करेगी। गुनेश भी साथ है तुम्हारे? जी, तो बताइए आप कब मिलेंगे? लेकिन मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है। गेट वेल सून, तुम वेट कर लेते हैं। वेट करने की जरूरत नहीं तुम्हें, मेंशन आ जाओ, यहीं बैठ के बात करते हैं। मसला तो नहीं है कोई? बिल्कुल भी नहीं, आ सकते हो तुम। ठीक है आता हूँ मैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जोहरा क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? सईद और गुनेश यहाँ आ रहे हैं। यहाँ उर्गुप आ रहे हैं क्या? वो फिकरत साहब को कॉल आई थी सईद की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। थैंक यू। फिक्र सर की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने वेलकम किया है आपको, आइए। ये लोग इस जगह पर रहते हैं? खुशामदीद। शुक्रिया। थैंक यू। तबीयत आपकी कैसी है? बस ठीक ही है, आओ वहां बैठते हैं। सैलान। खुशामदीद, कुछ लाऊं मैं आपके लिए? यहाँ का मशहूर तो ग्रेप्स जूस ही है, वही ले आओ, इनके लिए अच्छा रहेगा और हर जगह मिलता भी नहीं है ये। ओके ले आइए आप। पसंद आया उर्गुप तुम्हें? आई लव्ड इट, बहुत ही खूबसूरत है।
तो काम की बात करें अब। तो फिकरत साहब, हम इस साल आपसे ग्रेप्स खरीदना चाहते हैं, तो एग्रीमेंट कंटिन्यू करना होगा आपको। हाँ, लेकिन नजमी साहब से 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था, कीमत भी तय थी। सही, तुमने और गणेश ने बिला वजह तकलीफ की यहाँ आने की। चलो खैर, अब आ ही गए तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। यकीन करें, हम यहाँ घूमने फिरने नहीं आए। एक्चुअली मुझे यहाँ के ग्रेप्स देखने थे। ठीक है, जब आप फ्री होंगे तो जब्बार ले जाएगा आपको। ये तो अच्छा रहेगा। ओके। अच्छा, अब अगर कोई खास बात नहीं तो मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा आराम करूंगा। टेक केयर। हुई तुम्हें यहाँ देखकर। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खुश आमदीद सईद। बहुत शुक्रिया आपका शर्मा। और हाँ शर्मा, ऐसा कि कल मैं अपने दादा की कब्र पर जाऊंगा तो आप जोहरा को मेरी तरफ से बता दीजिएगा। ठीक है सईद, चलो मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। ओके, आ रही हूँ मैं। मेरी प्यारी बेटी, आओ इधर बैठो। सफर कैसा रहा बेटा? ठीक रहा। उर्गु पसंद आया? बहुत अच्छा है, यहाँ के नज़ारे बहुत ही दिलकश हैं। हम फिर मिलेंगे क्या? आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। मैं अब चलना चाहूंगी, देर हो रही है। ठीक है बेटा, खैर से जाओ। ठीक है, फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना। जी, आप भी ख्याल रखिए। ठीक है। चले गए वो, देख लिया। कल सुबह वो अपने दादा की कब्र पर जाएगा जोहरा। सईद ने कहा कि तुम्हें बता दूं। ठीक है, मैं पहले फिकरत से पूछूंगी। इजाजत चाहिए आपसे। किस लिए? कल वो लोग दादा मुस्तफा की कब्र पर जाएंगे, अगर आप इजाजत दें तो वहां जा सकती हूँ मैं। तुम चाहो तो जा सकती हो, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं तुम्हें। अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जब्बार तुम्हें ले जाएगा। शुक्रिया।
सितंबर में कटाई करेंगे और उन्होंने ये भी बताया है इस साल ज्यादा फसल होगी। हेलो हेलो सईद, मैं जोहरा। जोहरा, सरमा ने बताया कल तुम दादा की कब्र पर दुआ के लिए जाओगे, इसीलिए मैं कल सुबह वहां जरूर आऊंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ। यकीन करो, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। और फिकरत, उसका क्या, क्या वो इजाजत देगा तुम्हें आने की? हाँ, उन्होंने मुझे कहा जब बाहर ले जाएगा तुम्हें। ठीक है, वैसे ये वाला नंबर किसका है? मेरा नंबर है। चलो ओके, सी यू। सईद, जोहरा की कॉल थी ना? जी। क्या कह रही थी वो बताओगे मुझे? कल कब्रिस्तान आने का कह रही थी वो। ठीक है, फिर कल मैं भी चलूंगी। जॉब छोड़ने का क्यों सोचा? सैलरी कम है क्या? पैसे की बात नहीं है भाई। तो फिर जाने की वजह? उसका बॉयफ्रेंड भाई, उसका बॉयफ्रेंड नहीं चाहता कि वो बाहर जाकर जॉब करे। कुछ दिनों बाद जब मोहब्बत का भूत उतर जाएगा तो खुद ही भागी हुई हमारे पास आएगी जॉब के लिए। ओज़िमर एक सेमिनार अटेंड करने के लिए तुर्की आए हैं। इन्होंने एक साल अमेरिका में तालीम हासिल की है और ये कैंसर का इलाज करने के लिए काफी फेमस है। इनकी रिसर्च और तजुर्बे के बायस इस मर्ज से कई लोग सेहत याब हो चुके हैं और आज ये तुर्की के जाने माने डॉक्टर को देख जो टीवी पर है और इनके इस्तकबाल के लिए सेमिनार में तैयारियां तो क्या हुआ? आपको याद नहीं, यही वो डॉक्टर है जो आपकी वालिदा का डॉक्टर था। जब हम उनकी रिपोर्ट ढूंढने के लिए हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ ये हमें मिला था। भाई, लेकिन ये तो अमेरिका में था ना, लगता है ये दोबारा तुर्की आ गया है। आप कहें तो चलकर मालूमात लें इससे। सच पूछें तो मैं अमेरिका में अपने जिंदगी कर रहा हूँ। मुझे इस बार एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि मैं अपने 2 साल का तजुर्बा अपने दोस्तों और कुलीग्स में शेयर कर सकूं। इस सेमिनार में हम कुछ नए ट्रीटमेंट्स और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स शेयर करेंगे। इससे न सिर्फ मर्ज की सही तशखीस हो सकेगी बल्कि मुझे मिलना है इस बार मुझे मिले बगैर इसलिए हम ये जाने ना पाए, समझ गए? जैसा आप कहें भाई, जाओ मालूम करो इसका। जी ठीक है भाई। वजह से हमारे मरीज और डॉक्टर्स दोनों को फायदा होगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हमने अमेरिका में जो रिसर्च की है उसका फायदा हम अपने मुल्क को भी पहुँचाएंगे। ये डॉक्टर कुछ लेट नहीं हो गया? आ गया। माफ कीजिएगा आने में कुछ देर। कोई बात नहीं, कैसे हैं आप? बहुत बिजी स्केड्यूल है इसलिए। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मेरे बॉस को मिलना था आपसे। इनका नाम जाकिर करा क्या है? खुशी हुई मिलके। प्लीज बैठिए। बहुत शुक्रिया, आप भी बैठिए। बैठिए। ये जो भी आदमी यहाँ से गया है इसने मुझे कुछ हैरान कन बातें बताई हैं। आपको पेशेंट वाहिदे की मालूमात चाहिए? जी, वैसे तो काफी टाइम गुजर गया आपकी पेशेंट वाहिदे करा के गुजरे। कुछ मरीज याद रहते हैं मुझे, जैसा कि वाहिदे साहिबा याद है मुझे, क्योंकि उनका केस काफी स्पेशल था। वाकई में? तो क्या स्पेशल था उस केस में? आपका क्या रिश्ता है मिसेस वाहिदे से? बेटा हूं मैं उनका। हाँ, वो बहुत नाउमीद रहती थी और मर्ज भी काफी बढ़ गया था उनका। वो अपने मर्ज से लड़ नहीं पा रही थी, लेकिन आगे चलकर मैं बहुत हैरान हो गया जब मैंने ये देखा कि अचानक से उनके अंदर जिंदगी जीने की एक ख्वाहिश जाग उठी। फिर मैं अमेरिका चला गया। मैंने उनका केस अपने एक फ्रेंड डॉक्टर को दे दिया था, फिर उनकी खबर नहीं ली थी मैंने। फिर मैं जब 2-3 महीने पहले छुट्टियों पे आया था तो उस दौरान मैंने मिसेस वाहिदे को देखा तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, तो उनको देखकर अच्छा लगा मुझे। 2-3 महीने पहले डॉक्टर साहब? बिल्कुल। डॉक्टर, आप मेरी अम्मी वाहिदे की बात कर रहे हैं? उर्कू पे रहती थी ना वो, वाहिदे करा किया, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन उन्हें तो गुजरे काफी अरसा हो गया। मैंने 2-3 महीने पहले देखा था उन्हें, ऐसे कैसे हो सकता है? वो 5 साल पहले कहीं खो गई थी और उसके बाद फिर उनकी बॉडी मिली, इसलिए हैरान हो रहा हूँ उनका इंतकाल हो गया। और आप क्या कह रहे हैं? अब और क्या कहूँ मैं,
जब मैं यहाँ आया था तो मैंने उनको अपनी आंखों से सेहतयाब देखा था। माफी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब जाना होगा, एक अर्जेंट मीटिंग है तो वहां पहुंचना है मुझे। चलो ठीक है डॉक्टर, अच्छा लगा। कोई बात नहीं, हैव अ गुड डे। मिलकर खुशी हुई आपसे। डॉक्टर चला गया भाई? हाँ चला गया। अब क्या करना है भाई? उर्गुप जाना है बस, उर्गुप। बहुत अच्छा लगा जब्बा। बहुत शुक्रिया सर। शैलान, तुम किन सोचों में खोई हुई हो? नहीं, बस अम्मी की याद आ गई। बहुत प्यार करती हो ना? जी बहुत प्यार करती हूँ। आपका गाना सुन के अच्छा लगा। तुम्हारा शुक्रिया। बहुत अच्छा गाते हैं आप। मैं आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। शब खैर। तो अच्छा, गुड नाइट जोरा। शब खैर। शब खैर जब्बार। शब खैर सलाम। शब खैर। शब खैर। शब खैर जोरा।
सबसे पूछ भी लिया, ज़ोरा साहब कहीं नहीं मिली। सईद, मैं ज़ोरा को कमरे में देखने गई थी जहाँ एक सुरंग भी है। वहाँ बिस्तर रखे हुए थे, मगर जिस तरतीब से रखे हुए थे वैसे नहीं थे। किसी ने जरूर बिस्तर वहाँ से हिलाए हैं और सुरंग को लॉक किया है।